हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो बनाने का कारण यह है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में 9 अक्टूबर को उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें अन्य आईटीआईयों के प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारी आईटीआई बलकोट से भी जो है 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, और आज मैं उन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँगा और उनको जो है हमको आज पैक कराकर उनको देहरादून भी हमने उनको जो है हैंडओवर करना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वह कटिंग स्विंग के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है बच्चों का जिसको झबला बोला गया है, और यह प्रोजेक्ट जो है कटिंग स्विंग के प्रशिक्षार्थी द्वारा बनाया गया है, और इसकी जो कॉस्ट है 95 रुपये है। कटिंग स्विंग में अनुदेशक श्री देवेंद्र चंद्र जी के द्वारा गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वह फ्लावर पॉट स्टैंड है, और इस फ्लावर पॉट स्टैंड का निर्माण आईटीआई बड़कोट के ट्रेड फिटर के प्रशिक्षार्थी द्वारा किया जा रहा है, और अब यह जो प्रदर्शनी के लिए पूर्णतः तैयार है, आप देख सकते हैं। इस फ्लावर पॉट स्टैंड में जो है 4 फ्लावर पॉट जो है आसानी से रखे जाते हैं, और एक प्रकार का सजावटी आइटम है, आप देख सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें तो जो है इसमें जो है लगभग 17 kg जो है आयरन का प्रयोग किया गया है, और इसकी कॉस्ट जो है वो 1650 रुपये रखी गई है। आपको जो है देहरादून में जो युवा महोत्सव 9 अक्टूबर को किया जा रहा है, उसमें जो है इसका भी प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसका सिलेक्शन जो है किया गया है वह पाइप वाइस है, आप देख सकते हैं। इसका निर्माण भी जो है आईटीआई बड़कोट के ट्रेड फिटर के प्रशिक्षार्थी द्वारा किया गया, और यह पाइप वाइस जो है पाइप या गोल रोड को पकड़ने में पूर्णतः सक्षम है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी जो कॉस्टिंग है 700 रुपये है, और इस पाइप वाइस का प्रदर्शन भी जो है उत्तराखंड युवा महोत्सव में किया जाएगा, आप देख सकते हैं। ट्रेड फिटर की बात करें तो ट्रेड फिटर में जो है अनुदेशक श्री संदीप भंडारी, अनुदेशक श्री वीरेंद्र सिंह, अनुदेशक श्री आशीष कुमार, अनुदेशक श्री आशीष रावत, अनुदेशक श्री गणेश चंद्र रोमोला जी के द्वारा जो है गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों को प्रदान किया जा रहा है, और उन्हीं के जो है सानिध्य में जो है प्रशिक्षार्थियों द्वारा जो है इस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशिक्षार्थियों ने जो है एक पाइप को जो है पाइप आइस में बांधकर उसको काटा जा रहा है प्रशिक्षार्थियों के द्वारा। हमने तीनों प्रोजेक्ट को जो है अच्छी तरीके से पैक करके अपनी गाड़ी में रख लिया है, और अब जो हम हैं देहरादून के लिए निकल चुके हैं बड़कोट की गलियों से। आप देख सकते हैं बड़कोट की जो गलियां हैं काफ़ी संकरी हैं, और इनमें गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती है। तो आप बने रहें, रास्ते में भी देखेंगे हम किस प्रकार के नज़ारे हैं। यमुनोत्री हाईवे में जो है काफ़ी गर्मी है, लेकिन जब हम मसूरी में पहुंचेंगे तब देखेंगे वहां पर कैसा मौसम है। ये हम केम्प्टी बाज़ार पहुंच चुके हैं अभी, और केम्प्टी बाज़ार तक भी जो है धूप का असर कुछ खास कम नहीं हुआ है। आगे मसूरी में देखते हैं मौसम कैसा है। मसूरी में जो है मौसम काफ़ी सुहावना है, और आप देख सकते हैं पहाड़ों पर जो है कोहरा लगा हुआ है, और ठंडक का एहसास हो रहा है काफ़ी, जैसा मौसम जो है यमुनोत्री हाईवे पर था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इस
इसीलिए जो है लोग जो है प्लेन से मसूरी घूमने आते हैं गर्मी में भी, और बिल्कुल शानदार मौसम हो रखा है एकदम। अभी आगे लाइब्रेरी चौक पर देखते हैं कि वहाँ पर कैसा वेदर रहने वाला है, और जब हम देहरादून की साइड उतरेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे मौसम कैसा है। ये जो है हमारी गाड़ी लाइब्रेरी चौक पर जो है पहुँच चुकी है, और लाइब्रेरी चौक पर काफ़ी भीड़ है और वेदर यहाँ पर भी जो है कोहरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं लोगों ने जैकेट पहनी हुई है। अब हम लाइब्रेरी चौक से ढाल जो है देहरादून की तरफ उतरने लग गए हैं, और मौसम जो है ठंडा बना हुआ है। अब इस वीडियो में आपसे विदा लेने का समय आ गया है, और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि उत्तराखंड युवा महोत्सव की होगी। कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम वीडियो बना पाएँ, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चैनल को देखते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी का।